हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पेज मेकर में आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाले हैं। आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए आपको टूल बॉक्स से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपको इसकी हाइट और विड्थ चेंज करना होगा। ठीक है, तो हाइट और विड्थ चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल पैलेट में इसकी यहाँ से विड्थ चेंज करना है 2.1 और हाइट चेंज करना है 3.6। ठीक है, ये इसका प्रॉपर साइज होता है किसी भी आइडेंटिटी कार्ड का। हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, इसका साइज दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हम लोग एक शेप दे रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल का ऊपर। आप चाहो तो इसकी कॉर्नर्स को शार्प कर सकते हो। रेक्टेंगल की कॉर्नर को शार्प करने के लिए रेक्टेंगल टूल पे ही डबल क्लिक करना है और यहाँ से कॉर्नर को सेलेक्ट करके ओके करना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो इसकी कॉर्नर क्या आ रही है, शार्प आ रही है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा इस टाइप से खींच लिया। ओके, इसको ऊपर करने के लिए हम एरो की का यूज़ कर रहे हैं। इसको सेट करने के बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी कॉर्नर हम थोड़ी राउंडेड रखेंगे और इसको हम इसके ऊपर कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें एक शेप बन चुका है, लेकिन आपको इसमें बॉर्डर दिखाई दे रही है। तो बॉर्डर हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इसकी बॉर्डर वाले ऑप्शन को क्या करना है, नन, या आप इसको वाइट भी कर सकते हो। या आप देख सकते हो एक डिज़ाइन बन चुकी है। अब इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने पहले यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड बना के रखा है, तो मैं वहाँ से टेक्स्ट ले ले रही हूँ। अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो आप टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट का नाम और उसको हमने कर दिया है प्लेस। अब हमने इसको जैसे ही प्लेस किया है, ये ऑब्जेक्ट के पीछे गया है। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एलिमेंट में अरेंज ऑप्शन का यूज़ करना है और उसे करना है ब्रिंग टू फ्रंट। इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट था ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया था, तो हम उसको कहाँ ले आए हैं, फ्रंट में। कौन से ऑप्शन से, एलिमेंट ऑप्शन से अरेंज ऑप्शन का यूज़ करके ब्रिंग टू फ्रंट में। ऐसे ही मैंने और भी टेक्स्ट लिख के रखे हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पर सिर्फ प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सेम ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, एलिमेंट मेन्यू में गए, अरेंज पे गए, ब्रिंग टू फ्रंट। ये सारा हमने टेक्स्ट टूल से ही लिखा हुआ है, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड लिखना है। आइडेंटिटी कार्ड को हमने यहाँ से सेलेक्ट करके टाइप करके लिख लिया, अरेंज फ्रंट, अरेंज फ्रंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इमेज के लिए मतलब फोटो के लिए, पहले मैं यहाँ पे कार्ड लिख दूँ, कार्ड लिखाया नहीं है। ये कार्ड हमने लिख लिया है, अब इसका कलर चेंज करना है। तो ये कार्ड लिखने से पहले हम इसको क्या कर दें, ये इटैलिक है, इसको हम इटैलिक पे से हटा देंगे। ठीक है, इसका कलर हमने चेंज कर दिया और इसको मूव करने के लिए हम पिक टूल का यूज़ करके यहाँ से इसको मूव कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इमेज के लिए एक बॉक्स चाहिए, तो बॉक्स कहाँ से आएगा, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से हम इसको यहाँ पे इमेज के लिए ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। आप दूसरे जो भी टूल्स मतलब डिज़ाइन से आप उसका उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये नॉर्मल सा एक डिज़ाइन बताया है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा।